हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डूके क्लासेस एंड दिस इज आवर शो जिसका नाम है बूस्ट योर फ्रेजल वर्ब एंड दिस इज पार्ट 9। हम ऑलरेडी इसमें 8 पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब को कवर कर लिया है। और आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है आई अल्फाबेट को, जिसके अंदर जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स होंगे उन सभी की बिगनिंग होगी विद आई लेटर। ठीक है, इसी के साथ साथ आज के शो में, इस वीडियो में, हम लोग पिछले सेशन में कुछ डाउट्स रह गए थे, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे कि कुछ डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे भी इस वीडियो में कवर कर दिया जाए। सो स्टे ट्यून्ड, एट द एंड में उन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड, एंड द फर्स्ट वर्ड इज इमर्जन। इमर्जन का मीनिंग होता है टू बिकम कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग। इट मीन्स जब भी आप किसी चीज में पूरी तरीके से लिप्त हो जाते हो उसे कहा जाता है इमर्जन। यानी आप बहुत टाइम से बिना सोचे समझे उस काम को। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। शी गॉट सम बुक्स आउट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इमर्स हरसेल्फ इन ज्वेश हिस्ट्री एंड कल्चर। ज्वेश हिस्ट्री मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के लिए। ज्वेश एक कंट्री है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ की क्या हिस्ट्री एंड कल्चर रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल है शी गॉट सम बुक्स आउट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इमर्स हरसेल्फ इन ज्वेश हिस्ट्री एंड कल्चर। इसका मीनिंग है कि भाई उसने लाइब्रेरी से बुक्स उठाई और भाई पूरी तरीके से उसमें लिप्त हो गई, पूरी तरीके से उसके अंदर डूब गई उस काम को करने के लिए कि उसे पूरा हिस्ट्री और कल्चर पढ़ना है ज्वेश। ठीक है, ज्वेश एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे इंडिया की अलग से हिस्ट्री और कल्चर है, उसी तरीके से किसी और देश की भी हिस्ट्री और कल्चर हो सकती है, तो उसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आइडेंटिफाई विथ। आइडेंटिफाई विथ का मीनिंग होता है टू फील दैट यू आर सिमिलर टू समवन एंड कैन अंडरस्टैंड देम और देयर सिचुएशन। यानी जब भी आप किसी चीज़ या कोई मूवी देखकर आते हैं, आपके ऊपर पूरा इम्पैक्ट होता है कि वो हीरो ने जो जो काम किए ना, वो पर्टिकुलर मेरे काम है, मतलब मैं भी रियल लाइफ में ऐसे ही करता हूँ। तो जब आप किसी से सिमिलैरिटी ढूंढ लेते हैं तो उसे कहा जाता है आइडेंटिफाई विद। यानी आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अपनी सिमिलैरिटी जोड़ ली, देख ली, उसको अंडरस्टैंड किया और आपको लगा कि हाँ हम में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। एग्जाम्पल है रीडर्स कैन आइडेंटिफाई विद द हीरो ऑफ द नॉवल। मतलब जो रीडर्स हैं वो जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी और के साथ, सिमिलैरिटी ढूंढ लेते हैं हीरो ऑफ द नॉवल के साथ, अपनी सिमिलैरिटी ढूंढ लेते हैं। जैसे हैरी पॉटर एक बुक थी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई, जस्ट बिकॉज लोग उससे कनेक्ट कर पाए, अपनी सिमिलैरिटी उसे ढूंढ पाए। हो सकता है इतनी ना ढूंढ पाए हों, बट उसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न था कि पीपल गेट कनेक्टेड ईजीली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंडल्जन। इंडल्जन का मीनिंग होता है टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज कंसीडर रॉन्ग और इम्प्रॉपर। यानी अपने आप को ऐसी किसी चीज़ में लगा देना जो कि उस टाइम के लिए प्रॉपर ना हो, थोड़ी सी गलत साबित हो रही हो, उसे कहा जाता है इंडल्जन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं आई इंडल्ज इन अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट इन द मॉर्निंग। यूजली पीपल ड्रिंक अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी मॉर्निंग के टाइम पे, या फिर आजकल लोग ग्रीन टी लेना पसंद करते हैं, बट हॉट चॉकलेट को पीने का तो मॉर्निंग में कोई रूटीन नहीं है। बट आई इंडल्जेंट और मैंने उस चीज़ को इंजॉय किया, मतलब मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व था एंड आई रियली इंजॉय द कप ऑफ हॉट चॉकलेट। ठीक है, चाहे काम इम्प्रॉपर हो बट उसके अंदर इंजॉयमेंट हो रहा है, उसे कहा जाता है इंडल्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोज समथिंग ऑन और अपॉन। यानी इम्पोज समथिंग ऑन और इम्पोज समथिंग अपॉन, इसका मीनिंग है टू मेक अ लॉ, रूल, ओपिनियन बी एक्सेप्टेड बाय यूजिंग योर पावर और अथॉरिटी। यानी अपनी शक्ति या अधिकार के बल पर कानून, नियम आदि को मनवाना या थोपना, उसे आरोपित कहा जाता है। यानी मान लीजिए आपको नॉर्मली लॉकडाउन पीरियड में आपको जाना है, अभी गवर्नमेंट ने रूल थोड़ी से ईज ऑफ कर दिए हैं, तो आपको कहीं पर जाना है और आप चाहते हो जाना, बट आपके फैमिली मेम्बर्स जो सब आपको इम्पोज करते हैं कि आप नहीं जा सकते, जबकि कोई कानून चेंज ही करवा रहे हैं, वो एक तरीके से थोप रहे हैं आपके ऊपर कोई चीज़, तो उसे कहा जाता है इम्पोज समथिंग ऑन या अपॉन। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पेनिश इन्वेडर्स इम्पोज देयर कल्चर एंड बिलीव्स ऑन नेटिव अमेरिकन्स। जो स्पेनिश लोग हैं वो नेटिव अमेरिकन्स पे अपना कल्चर और बिलीव इम्पोज करने की कोशिश करते हैं या थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फॉर्म ऑन समबडी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप जब भी किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इट शुड बी अ समबडी, मतलब आप किसी न किसी व्यक्ति को देंगे, किसी भी पौधे को या किसी जानवर को आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे समबडी यूज किया है। इसका मीनिंग है इन्फॉर्म ऑन अगेंस्ट समवन
टू सीक्रेटली गिव द पुलिस और समवन इन अथॉरिटी इंफॉर्मेशन अबाउट समवन। आपने मूवीज में बहुत बार देखा होता होगा कि जैसे उरी एक मूवी थी, उसके अंदर बताया गया था कि कुछ लोग उन्होंने सीक्रेटली बना रखे थे, वो लोग उनको इन्फॉर्म करते थे बहुत सारी चीज़ें, तो दे इन्फॉर्म ऑन समबडी, मतलब उनके ऊपर जो हायर अथॉरिटी होती होगी वो उनको सूचित करते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे। एग्जाम्पल है, द पुलिस हैव समबडी हेयर टू इन्फॉर्म ऑन द टेररिस्ट मूवमेंट, कि पुलिस के ऊपर भी कोई चीज़ होती है, पुलिस वाले भी किसी को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसा कुछ टेररिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, इन्फॉर्म ऑन का मीनिंग होता है सूचित करना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इंक्वायर इनटू, इट मींस टू ट्राई टू डिस्कवर द फैक्ट्स अबाउट द समथिंग। इसका मीनिंग है किसी तरीके की जांच पड़ताल करना, डिस्कवर करना कि इस चीज के पीछे क्या रीजन रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, द जज वॉन्ट्स द डिप्टी टू इंक्वायर इन टू द केस इन ग्रेटर डिटेल्स। जज चाहते थे कि डिप्टी खुद इंक्वायरी करे इस केस की, वो भी ग्रेटर डिटेल्स में, अच्छी जांच पड़ताल करे। इंक्वायर इन टू का मीनिंग हो गया जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इन्फ्रिंज ऑन और अपॉन। इन्फ्रिंज ऑन अपॉन का मीनिंग होता है इफ समथिंग इन्फ्रिंजिंग अप इन्फ्रिंजिंग ऑन और अपॉन समवन्स राइट और फ्रीडम, इट टेक्स अवे सम ऑफ देयर राइट्स और लिमिट्स देयर फ्रीडम। क्या करता है अगर इन्फ्रिंज ऑन या अपॉन होता है किसी के राइट्स और फ्रीडम के ऊपर, इसका मीनिंग होता है कि उसकी जो राइट्स और लिमिट्स हैं वो थोड़ी सी छीन ली गई हैं या उनका उल्लंघन कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई नया लॉ फॉर्म होता है और पहले वाले लॉ के उल्लंघन हो जाता है तो उसको बोला जाता है दिस लॉ इज इन्फ्रिंजिंग द प्रीवियस वन। ठीक है, द न्यू लॉ विल इन्फ्रिंज ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई एम अफ्रेड। कई बार बोला जाता है ना कि जो सूचना का अधिकार है, ऐसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, ठीक है, उसी तरीके से क्या बोला जाता है कि भाई अगर ये नया जो लॉ है वो क्या कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को थोड़ा सा इन्फ्रिंज कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। आई एम वेरी टेरिफाइड अबाउट इट, और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, अफ्रेड अबाउट इट, आई मीन कि उस चीज़ से मुझे काफ़ी डर लगा हुआ है। दीज रिस्ट्रिक्शन इन्फ्रिंजेस अपॉन बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो ये रिस्ट्रिक्शन है वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं यानी उल्लंघन कर रहे हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज इंसिस्ट ऑन और इंसिस्ट अपॉन। टू कीप डूइंग समथिंग इवन इफ इट अनॉयज अदर पीपल और अदर पीपल थिंक इट इज गुड नॉट गुड फॉर यू, यानी जब भी आप कोई काम करते हैं उससे आपके आसपास के लोग काफ़ी अनॉय होते हैं भाई कि ये काम इसके लिए अच्छा नहीं है, और वो आप पर जोर देने की कोशिश करते हैं कि आप ये काम मत करो। ठीक है, इंसिस्ट ऑन, टू कीप डूइंग समथिंग इवन इट्स अनॉय अदर पीपल और पीपल थिंक इट इज नॉट गुड फॉर यू, तो आप जोर देते हैं कि आप ये मत करो, तो पीपल आर इंसिस्टिंग यू। एग्जाम्पल, आई डोंट नो वाई यू इंसिस्ट ऑन टॉकिंग अबाउट इट, कि तुम बार बार इस टॉपिक पे क्यों इंसिस्ट करते हो कि इस टॉपिक पे हम बात करें, वाई यू इंसिस्ट, आप क्यों जोर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंटरफेयर विथ। इंटरफेयर विथ का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम वर्किंग इफेक्टिवली और फ्रॉम डेवलपिंग सक्सेसफुली। देखो, एक चीज़ देख सकते हैं, इंटरफेयर का मीनिंग होता है कि आप किसी के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, कई बार जो इंटरफेयर विद का मीनिंग होता है वो एक ऐसे सेंस में होता है कि कुछ इंटरफेयर करने से आप किसी को रोक रहे हो। ठीक है, कि इन्वॉल्वमेंट ही ना हो हस्तक्षेप करने की। और इंटरफेयर विद का मीनिंग होता है कि थोड़ा सा कुछ हस्तक्षेप हुआ, कुछ हस्तक्षेप की कंडीशन बनी और आप पे वो हावी हो गए। इंटरफेयर का सीधा सा मीनिंग है इंटरफेयर विथ का कि आप किसी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं चाहते और हस्तक्षेप हो। ठीक है, एग्जाम्पल है, आई डोंट वॉन्ट माई किड्स टू इंटरफेयर विद एनी इलेक्ट्रिक स्टफ दैट वी हैव एट होम। नोबडी वॉन्ट्स दिस, कि उनके घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं वो किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक स्टफ को छुएं ताकि उनके लिए खतरा हो जाए। तो ये सेंटेंस में बोला है आई डोंट वॉन्ट माई किड्स टू इंटरफेयर, मतलब मेरे बच्चे जो है वो उस चीज़ के अंदर हस्तक्षेप करें, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इवन अ लो लेवल ऑफ नॉइज इंटरफेयर्स विद माय कंसंट्रेशन। क्या बता रखा है कि अगर छोटा सा भी नॉइज इंटरफेरेंस होता है मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी वीक हो जाता है उस चीज़ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, आयरन आउट। आयरन आउट का मीनिंग होता है टू पुट समथिंग इनटू अ फिनिश स्टेट बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, रिमूविंग डिफरेंसेस एंड टेकिंग केयर ऑफ डिटेल्स। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को फिनिश कर देते हैं, सॉल्व करके रिमूव कर देते हैं उनके डिफरेंसेस को,
और लास्ट में चीजों की डिटेल्स को भी ध्यान में रखते हैं, उसे कहा जाता है आयरन आउट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मैनेजमेंट मैनेज टू आयरन आउट द प्रॉब्लम्स, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर दिया। सॉल्व आउट का मीनिंग होता है आयरन आउट, ठीक है। यानी नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको ये मत बोलेगा आई हैव सॉल्व आउट, यू कैन यूज इट दैट दिस प्रॉब्लम इज आयरन आउट नाउ, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। दे मेट टू आयरन आउट द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग मिले ताकि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको आयरन आउट कर सकें, डिटेल्स के अंदर सारी डिटेल्स को क्लियर कर सकें कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ईच फॉर। ईच का बेसिकली मीनिंग होती है जब खारिश हो जाती है उसे ईचिंग बोला जाता है, तो ये ईच फॉर है। इसका मीनिंग होता है टू फील वेरी इम्पेशेंट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग इमिडिएटली। मतलब बहुत बार बोलते हैं ना उन लोग कि भाई मुझे काम बहुत जल्दी से करना है, तो फ्रेंड्स लोग आपस में बोल देते तुझे बड़ी खुजली हो रही है, तो बस यही चीज़ है। ईच फॉर का मीनिंग होता है कि आप किसी एक काम को ख़त्म करके जल्दी से किसी और काम में जंप करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कोई SST की क्लास है, या मान लीजिए कोई जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है, तो वो आपके लिए काफ़ी बोरिंग है। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो आपको लगता है जस्ट जल्दी से ही ख़त्म हो जाए और हम दूसरी क्लास में जंप आउट करें, तो उसे बोला जाता है ईच फॉर। इट मीन्स टू फील वेरी इम्पेशेंट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग इमिडिएटली, कि आप कुछ और जो है वो अभी के अभी करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज ईचिंग फॉर द लेसन टू एंड एज वी आर सपोज टू हैव अ मैच राइट आफ्टर इट। कितनी सही बात हो गई है कि लेक्चर जल्दी से ख़त्म हो तो हमें क्रिकेट मैच देखें, तो वो जो कंडीशन बनती है ना, आपको कोई इमिडिएटली काम करना होता है, यू आर वेटिंग फॉर, तो उसे कहा जाता है ईच फॉर। नेक्स्ट वर्ड इज इशू फॉर। इशू फॉर का मीनिंग होता है टू कम आउट ऑफ अ प्लेस और थिंग, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ से उठ खड़ी होना, जैसे बोलते हैं ना कई बार कि ये विवाद यहाँ से खड़ा हो गया, या फिर ऐसे बोल दिया जाए कि ये विवाद जो है इस क्षेत्र से आया है, इस चीज से रिलेटेड आया है, उसी का मीनिंग होता है टू कम आउट ऑफ अ प्लेस और थिंग। कोई इशू ऐसा, कोई विवाद ऐसा जो किसी प्लेस से आया हो पर्टिकुलर, या किसी चीज से खड़ा हो गया हो सबके सामने, उसे कहा जाता है इशू फॉर। एग्जाम्पल है, अ लॉट ऑफ न्यू इनिशिएटिव इशू फॉर फ्रॉम द गवर्नमेंट नियरली एवरी डे, कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लेके बहुत सारे इशू फॉर होते रहते हैं, मतलब नई नई जगह से नए नए इशूज आते रहते हैं, उसे बोला जाता है इशू फॉर। नेक्स्ट इज चीप इलेक्ट्रिसिटी वॉज सून इशूइंग फॉर फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर, क्या बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है सस्ती इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ जल्दी से मतलब थोड़े दिनों बाद ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और वो कहाँ से आएगी, न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है, इशू हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह हम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डाउट, जो प्रीवियस सेशन में जो एच से रिलेटेड जितने भी फ्रीजल वर्क थे उनमें से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, आई जस्ट फॉरगॉट हिज और हर नेम, बट आई नो कि उन्होंने एग्जैक्टली पूछा था कि वो उन्हें थोड़ा सा डाउट रहा उस चीज़ को, वो समझ नहीं पाए और वो उसका एक्सप्लेनेशन चाहते थे, तो देख लेते वो क्या वर्ड था। एंड द वर्ड वॉज हैंड अराउंड। हैंड अराउंड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, इफ़ यू हैंड अराउंड थिंग्स लाइक ड्रिंक्स और केक्स, यू गिव वन टू ईच पर्सन इन अ ग्रुप, कोई भी चीज़ आप किसी व्यक्ति को टेबल पे, आप सर्विंग टेबल पे बैठे हैं, मान लीजिए डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और आप सर्व कर रहे हैं एक दूसरे को, उसे बोला जाता है हैंड अराउंड। अगर मैं बात करूँ सिट अराउंड, चलो उसको बाद में देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, नीना हैंडेड अराउंड मग्स ऑफ हॉट कॉफी, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा हैंडेड अराउंड का मीनिंग हो गया कोई चीज़ आपने पकड़ रखी है, किसी चीज़ के इर्द गिर्द आप बैठे हैं, ठीक है, बैठे होने के सेंस में तो वो हो जाएगा सिट अराउंड, अगर आपने कोई चीज़ पकड़ रखी है तो वो हो जाएगा हैंड अराउंड। और द जैसे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द प्रिंस स्लैप्ड हिज हैंड ऑन द टेबल, इस चीज़ को कैसे समझेंगे, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें एक फैमिली बैठी है, ये फैमिली क्या कर रही है, डिनर कर रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है, लंच कर रही है, वॉट एवर, उन सभी के पास कोई ना कोई चीज़ है, और जो ये मदर है वो क्या कर रही है, हैंड अराउंड जो डिशेज है उनको हैंड अराउंड कर रही है, और ये बैठे जिस अरेंजमेंट में उसे कहा जाएगा वो टेबल के अराउंड बैठे हैं, इट मीन्स सिट अराउंड, दे आर सिटिंग अराउंड द टेबल, और जैसे ये चीज़ों को सर्व कर रहे हैं, बांट रहे हैं, उसे कहा जाता है हैंड अराउंड। बट अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें, नेक्स्ट स्लाइड में इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपने हाथों को टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसका मीनिंग जो इसके हाथ हैं वो भी हैंड अराउंड ऑन द टेबल है, बट सेंस क्या आएगा, हिज हैंड ऑन टेबल, इसके हाथ जो है वो टेबल पर है, तो हैंड अराउंड के दो सेंस हो गए, या तो उन्होंने किसी ने अपना हाथ टेबल पर रखा हुआ है,
किसी चीज को पकड़ा हुआ है या फिर वो किसी चीज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रीवियस एग्जाम्पल था मेरा कि द प्रिंस स्लैप्ड हिज हैंड ऑन द टेबल का मीनिंग क्या हुआ कि प्रिंस ने अपना हाथ जो है वो सीधा सीधा टेबल के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है। बट टेबल के ऊपर हाथ रखना भी क्या हुआ, हैंड अराउंड द टेबल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा विद दीज पिक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम थॉट इन्फेक्शन एंड इट आई विल गेट रिड फ्रॉम दिस स्लोली, मतलब इसका एक प्रोसीजर होता है वो धीरे धीरे ही मैं इससे रिकवर हो पाऊंगी। सो प्लीज अवॉइड माई वॉइस टोन दिस टाइम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल सो व्हेनेवर वी अपलोड अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।